ये खतरनाक होता जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप इमेजिन कर सकते हो शायद। सो वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। Feeling very okay. I'll settle here for a minute because हमको अभी और ऊपर जाना है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज में। तो ये है हमारा नाश्ता, आलू प्याज के पराठे, अजवाइन का हरियाणवी पराठा और हाँ और क्या। अच्छा सॉरी, ये पराठे नहीं है एक्चुअली, ये मैंने करना आने के बाद पराठा जो है परोठा बन गया है मेरा। परोठा परोठा, ठीक है। सो विद द एक्सेंट ओके। एंड ये है हमारी अंडा भुर्जी एंड दैट्स इट। Assalamualaikum guys, welcome to another video। ये हमारा रूम है एक्चुअली, रूम में रूम टूर कराने जैसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी बेसिक रूम विथ वेरी बेसिक एमिनिटीज। रूम होटल का यहाँ पे एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है स्पीति में। आज सच आपको कोई भी मतलब डिसेंट प्लेस मतलब हमको तो नहीं मिल रहा है। कल हम लोग आए एक्चुअली बहुत थक गए थे और पैनिक भी हो गया था। पैनिक इन द सेंस कि मतलब मेरा एकदम सर दुखने लग गया था। सो आई वॉज लाइक इधर डिहाइड्रेटेड और बिकॉज हम लोग एकदम हाइट पे आ गए थे। हम लोग रामपुर में थे और यहाँ से फिर ये दिस इज़ लाइक स्पीति काजा इज़ राइट लाइक आई थिंक 3800 meters। तो एकदम से इंक्रीज ऑफ हाइट हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल कम है तो हमको यहाँ पे काफ़ी सफोकेशन हो रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग फिर रात को जब सोए खाना वगैरह खा के, ठीक है, तो मैं तो मतलब जल्दी सो गया था एक्चुअली एंड 2:30 बजे मेरा नींद खुल गया था। एंड देन विक्रांत आई वॉज फीलिंग वेरी अनईजी एट 4:05 in the morning, ठीक है, कि समझ नहीं आया क्या करना है। आई कॉल्ड अप माई फादर, ही इज़ अ डॉक्टर, हिज ऑक्सीजन लेवल हैज़ कम डाउन टू 80%, मतलब 75-80 जा रहा है, ठीक है। तो वॉट वी शुड डू, देन डैडी ने बोला सपोज कि आप बाहर जाओ और थोड़ा बाहर टहलो, नहीं होता है तो मतलब गो फॉर मेडिकल असिस्टेंस एंड कार वगैरह में आप जाके और ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेरी ओके टुडे, आई एम नॉट वेरी मच मी, काइंड ऑफ मतलब यू नो थोड़ा यू नो अनईजी है फॉर सम रीज़न। आई थिंक बिकॉज ऑफ अवर सिचुएशन एट दिस हाइट वी आर I'm a little uneasy, but then we take it easy. And हम लोग जा के थोड़ा घूम फिर के आते हैं और then we continue our journey. तो ये अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग रामपुर से सीधे यहाँ पर आ गए थे तो हम अक्लेमेटाइज नहीं हो पाए थे और सीधे आके फिर हमने यहीं मतलब जो है नेचुरल अक्लेमेटाइजेशन किया फिर ये ताकि बेसिकली मतलब यू नो आई हैड, उन्होंने मेरे को दिया लहसुन वाला पानी और थोड़ा बदमज़ा होता है वो, ठीक है, बट देन इट हेल्प्ड अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड नाउ महाराज रेडी हो जाए एक बार तो वी गेट स्टार्टेड फॉरवर्ड। तो ये होटल में हम लोग रुके थे, निंगमा हाउस, आई थिंक इट्स अ टिबेटन नेम। बहुत बेसिक्स और बहुत ही ज़्यादा बेसिक एमिनिटीज़ के साथ है और ये हम लोगों ने बाइक से यहाँ पर खड़ी करी थी और यहाँ पर वॉल आर्ट है। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे हिल टॉप पे स्नो है। रात को एक्चुअली यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, लाइक इट वॉज 2 degrees। हालांकि इतना आपको फील नहीं होता है बट देन आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है सपोज़ कि यू आर विंटर रेडी। अच्छा, और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमको ऑलरेडी हमारा ब्रीफिंग हुआ है कि हमको हाइड्रेट अपने आप को रखना है, मतलब जब हम पानी पियेंगे तो एक साथ पूरा पानी नहीं लेना है, ठीक है, अदरवाइज यू मे वॉमिट। सो यू टेक इन सिप्स एवरी फ्यू मिनट्स, यू टेक इन सिप्स सो दैट पानी जा रहा है अंदर। अगर हमने जैकेट पहना हुआ है तो उसको उतारना नहीं है और कानों को और सर को कवर रखना है, जस्ट टू मेक श्योर कि मतलब यू नो एकदम से ठंड ना लगे। जैकेट उतारने के लिए इसलिए मना किया है कि अंदर आपको बॉडी हीट है, एकदम से फिर आपको न्यू फॉरेन टेम्परेचर को आप एक्सपोज कर दोगे तो मतलब यू नो आप बीमार पड़ सकते हो, तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। और पूरा हम लोग है ना आज गाड़ी में लोड सामान लेके नहीं जाएंगे, हम लोग खाली गाड़ी लेके जाएंगे क्योंकि हम लोग को आसपास ही जाना है और विल ट्रैवल लाइट। इवन मैं राइडिंग जैकेट भी नहीं पहनूंगा आज, मैं ये वाला जैकेट ही पहनूंगा, दिस इज़ माय विंटर लेदर जैकेट, तो ताकि ईजी रहे और ज़्यादा घूम फिर के आते हैं फिर, तो देखते हैं आपको आगे मिलते हैं। सो आई मेट जस्टिन यूट्यूबर,
वेरी नाइस एंड हम्बल गाय, वी जस्ट हैपन टू मीट ईच अदर एंड वी आर, ही इज कमिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस. सो नाइस टू मीट यू बडी. सेम ही भैया, टेक केयर, राइड सेफ हो. थैंक यू मैम, मिलते हैं भैया आपसे करनाल में. तो यहाँ से रोड खत्म और ऑफ रोडिंग शुरू. मैंने एंड्यूरो प्रो मोड में गाड़ी को डाल लिया है. बस इसमें ये ख्याल रखना है कि सिर्फ रियर ब्रेक नहीं लगाना है, वरना सीधे गाड़ी बाहर हो जाएगी ट्रैक से. GS में कॉम्बिनेशन ब्रेक्स होते हैं, तो अगले ब्रेक से 30% रियर ब्रेक भी लगेगा आपका. ये ख़तरनाक होता जा रहा है. लेफ्ट हैंड साइड पे आप इमेजिन कर सकते हो, शायद वीडियो में वो ख़तरा महसूस ना हो क्योंकि वाइड एंगल रहेगा तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा. बट फिर भी अगर आप समझ सकें कि ये रोड कितनी संकरी है और ऑफ रोड भी है, मतलब रोड नहीं है तो बैलेंस बार बार आपका बिगड़ता है, और आपको संभाल के गाड़ी चलानी है, इन्जॉय भी करना है, और ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो डरना भी नहीं है. सो यू हैव टू बी रीज़नेबल इनफ टू बैलेंस ऑल थिंग्स. ओ तेरी, ओ तेरी, सही है रे. महाराज पीछे हैं मेरे, मेरे को दिख नहीं रहे मिरर में एक्चुअली. ये अभी बहुत रिस्की होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा, मतलब ये जो अप हिल है ये कर्व में है, यू टर्न है पूरा हिल पे, और सॉफ्ट धूल है यहाँ पे, तो स्लिपेज बहुत है. और 60 की स्पीड पे हम कर रहे हैं इसको. यहाँ पर आपको आपका स्किल लेवल मालूम पड़ता है एक्चुअली, ठीक है, कि आप पैर टिका के निकाल रहे हो, कितना फास्ट निकाल रहे हो, कितना बार पैर टिका रहे हो, मतलब यू गेट योर ट्रेनिंग रिजल्ट्स हियर इन द रियल टाइम सिचुएशन. क्योंकि एडवेंचर बाइकिंग कम्युनिटी में भी क्या हो रहा है, मतलब मजाक बना के रखा है लोगों ने, मतलब यू नो यू गो एंड पुट ए ब्रेक एंड द टायर स्लिप्स एंड यू क्लिक ए गुड फोटोग्राफ, दैट गिव्स यू ए फोटोग्राफ अपॉर्चुनिटी, दैट डजंट डिफाइंस योर फिजिक्स वेरी वेल. सो यू वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट. यहाँ ग्रीनरी बहुत कम है क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, तो ज़्यादा पेड़ पनप नहीं पाते हैं. ऑलमोस्ट नो ग्रीनरी इधर, पेड़ तो है ही नहीं इधर. इस हाइट पर पेड़ कहाँ मिलेंगे आपको? व्हाट्स हिज नेम? अंकुर. So and he is Ankur. Both are from Lucknow and both are in Merchant Navy. The vessels mein actually, vessels matlab ships mein actually Merchant Navy mein do sides hoti hain, ek hota navigation side, ek hota engineering side. These personnel are from engineering side. Highest post office hum ja rahe hain jo ki is village ke andar hai Hikkim mein. Khoobsurat nazara hai bahut. Sahi hai, aise jaake aise aana. एक रास्ता बहुत स्टीप है बट उसमें शॉर्टकट है, तो ऐसे भी जा सकते हैं. हाँ है ना मैप, वो सही जा रहे हैं हम लोग. हाँ सही दिखा रहा है, मैं इधर से कर रहा हूँ. सो वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. ये साइन बोर्ड है, पोस्ट ऑफिस ज़रा नीचे वहाँ है, वो भी दिखाता हूँ. ये फोटोग्राफ लेने के लिए जगह है, और यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर आपको, मॉन्क की ही दुकान है वो, जहाँ पर आपको बेसिकली पोस्ट कार्ड मिल जाते हैं. मैंने पेन डाउन की ये पोस्ट कार्ड अपनी फैमिली के लिए, और ये पोस्ट कार्ड जो आता है इसमें कई सारे फोटोग्राफ आप ले सकते हैं. मेरे को यही वाला चाहिए था, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस वाला. ये 35 रुपीज़ का ईच होता है और 5 रुपीज़ का पोस्टिंग चार्ज है. यहाँ पे यू गेट फ्रिज मैग्नेट्स, यू कैन चूज
सो मेनी अदर पोस्ट कार्ड्स. इस तरह से पोस्ट कार्ड दिखता है. यहाँ पर आपका राइट साइड में एड्रेस होगा. यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है. हाईएस्ट से मतलब ये है, हाईएस्ट से मुराद आपकी हाइट की है. मतलब यू नो इट इज सो मच अबव द सी लेवल. ठीक है, पोस्ट ऑफिस नॉर्टन मैप. पानी पीते रहना है, एक एक सिप लेते रहना है. हर 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में अपने आप को हाइड्रेट करना है. जैकेट नहीं उतारना है बिकॉज आप डिफरेंट टेम्परेचर को एक्सपोज हो जाओगे, क्योंकि काजा और यहाँ पर भी हाइट का डिफरेंस है, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट है यहाँ पे. ये गांव है और मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ रहा हूँ. आई मेट विनोद भाई, ही हैज ऑल्सो राइड फ्रॉम बॉम्बे. And हम लोग अभी वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पर हैं. आई विल शो यू द बोर्ड. अक्सर ये बंद होता है. अगर ये बंद है तो पास में यहाँ पर जहाँ से आप ये पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं वहाँ पर आप उनको स्टैम्प ड्यूटी लगा के दे सकते हैं, वो पोस्ट कर देंगे. तो इंटरेस्टिंगली आई मेट अ कपल फ्रॉम इंदौर. से हेलो. आई एम फ्रॉम मुंबई. Okay. So we arranged marriage. So we came here for a biking trip with friends. Yeah. We guys are from Mumbai. Hi there. So we spent a good decent time over here, and now we'll head to the world's highest village. अगर आप बहुत enthusiastic इंसान हो या फिर fast इंसान हो, आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर जब आप आओगे आपको एकदम स्लो चलना है. सांस बहुत जल्दी फूलती है यहाँ पे, तो स्लो चलना है. ये भी हमको ब्रीफिंग में बताया गया था. बहुत मज़ा आ रहा है. द ट्रिप इज़ गोइंग फैंटास्टिक अल्हम्दुलिल्लाह. खूबसूरत नज़ारा है ये. प्रॉपर विलेज है जो कि पूरे साल चालू रहते हैं. इमेजिन द विंटर्स हियर, अनबिलीवेबल. मेरा नेचुरल पेस जो है वॉकिंग का, जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं, थोड़ा फास्ट है. मतलब नेचुरल नॉर्मल से फास्ट है. तो उसकी वजह से क्या है, मतलब मैं आ धीरे रहा था बट मेरा सांस फूल गया. अभी आई एम नॉट फीलिंग वेरी ओके. आई विल सेटल हियर फॉर अ मिनट बिकॉज हमको अभी और ऊपर जाना है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज में. तो और हाइट बढ़ेगा थोड़ा सा, भी एलिवेशन का जो डिफरेंस आता है उससे ऑक्सीजन लेवल में बहुत फर्क पड़ जाता है. सो लॉन्ग यू आर नॉट कंफर्टेबल यू डोंट डू दैट. सी द रोड्स, वाओ. सो वेलकम टू कॉमिक, वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज. यू कैन सी द रोड एंड रेट योरसेल्फ. हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड. And we have our bikes here, which is such a wonderful feeling. So, हम लोग यहाँ पर आए हुए थे. कॉमिक में हाईएस्ट विलेज है ये दुनिया का इन टर्म्स ऑफ हाइट, और हैबिटेबल है और एक रोड से कनेक्टेड है. मेरे को इतना कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है. एंड आई मेट ए वेरी नाइस गुजराती फैमिली जिन्होंने बिना पूछे हम लोग को भेल भी ला के दिया. भेल तो मैं नहीं खा सकता एक्चुअली, बट देन आई एम हैविंग सम, क्योंकि गुजराती हैं तो स्वीट तो कुछ ना कुछ हो गए होगा. आई वुड लव टू हैव इट. सुखड़ी है, आई विल ट्राई सुखड़ी. दिस इज मैट ग्राउंड नट. अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राउंड नट भी आई विल टेक. यस आई विल टेक दिस लिटिल. वो ले जाना है आपको. सुखड़ी है, प्योर घी की, प्योर घी की है जी जी. और ये गेहूं से बनता है. अच्छा अच्छा, ओके ठीक है. आपके साथ रखिए, ये साथ ले जाओ. मुझे और ये हमको एक डब्बा ही मिल गया है. ठीक है, सो थैंक्स फॉर ऑल द लव. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हम लोग ज्यादा देर यहाँ पर रुकेंगे नहीं क्योंकि मेरी सांस फूल रही है. यहाँ पर हम अक्लेमेटाइज नहीं हुए तो वी विल रश फास्ट. ओके गाइस, सो सी यू ऑन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन.